पहले ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। अजमेर के बिनार में ग्राम पड़ागा में स्थित शिव मंदिर में 11 कुंडी श्री रुद्र महायज्ञ का झंडारोहण किया गया। रुद्र महायज्ञ 17 फरवरी 2017 से शुरू होगा। अजमेर के विजयनगर में 27 मिनट चौराहे पर एक सवारी बस और ट्रेलर के बीच भिड़ंत होने से 4 बस यात्री घायल हो गए। घायलों को विजयनगर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। भरतपुर के बयाना में कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लंबे समय से महिला चिकित्सक का पद खाली पड़ा है, जिसकी वजह से महिला मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा विभाग भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। अजमेर के रूपनगढ़ में भामाशाह योजना और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए प्रधानमंत्री के निर्देशों पर बैंकों में जीरो बैलेंस पर खाते खोले गए थे। साल भर बीत जाने तक किसी ने भी आज तक 1 रुपए का लेन देन नहीं किया है, लेकिन नोटबंदी के बाद अचानक इन खातों में रुपए जमा कराने की बाढ़ आ गई। अकेले अजमेर जिले में 5 दिन में 1500 करोड़ रुपए जमा किए गए। अलवर के नीमराणा में नोटबंदी से लोगों के घरेलू कार्यों में अड़चने आ रही है। मेडिकल स्टोर संचालक भी रुपए नहीं ले रहे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा के लवाड़ में टूटी फूटी सड़कों से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन मौन बैठा है। सिरोही के पिंडवाड़ा में एक गाड़ी कंटेनर से टकरा गई, जिसमें 5 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सभी लोग रणुजा से गुजरात जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को मोर्ची में रखवाया। घटना मिवाना हाईवे की है। भरतपुर के वैर में पिछले 20 साल में भी सड़क की सुध नहीं ली गई। 110 लाख से मरम्मत कार्य में मिट्टी का उपयोग हो रहा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से इसकी कई बार शिकायत भी की है। टोक्यो नियारा में जलदाय विभाग की टंकी क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिसके चलते यहां कभी भी हादसा हो सकता है। हाल ही में JNB टंकी पर चढ़ते समय सीढ़ी टूट जाने से बाल बाल बचे थे, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। सिरोही के आबरोड में स्टेशन द्वारा खड़ी DMU ट्रेन के इंजन में आग लग गई। घटना के समय ट्रेन खाली होने से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भरतपुर के कामा में बैंककर्मी नोट बदलने के फॉर्मों को ब्लैक करवा रहे हैं। नोट बदलने के फॉर्म 5 रुपए में बेचे जा रहे हैं, इस पर प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। झलावाड़ के डग में यूथ कांग्रेस इकाई के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बैंक में घंटों से खड़े भूखे प्यासे उपभोक्ताओं के लिए जल की व्यवस्था की। नोट बदलने और जमा करने के लिए कस्बे की सभी बैंकों में लंबी कतार में महिलाएं पुरुष बुजुर्ग घंटों से खड़े हैं। जैसलमेर के नाचना में सुबह 2 झोपड़ों में अचानक आग लग गई। झोपड़ों में तेजी से आग फैल गई। दमकलों ने मौके पर आग पर काबू पाया, जिसके बाद आसपास के झोपड़े जलने से बच गए। सवाईमाधोपुर के खंडार में थाना पुलिस ने रामेश्वर धाम मेले में धारदार हथियार लेकर संदिग्ध अवस्था में घूमते एक माली को गिरफ्तार किया है। अजमेर के भीसांगन में सरकारी स्कूल में पोषाहार सामग्री और गैस सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया। प्रधान अध्यापक सुनील कुमार के मुताबिक छुट्टी का मौका देकर अज्ञात चोरों ने करतूत की। मामला सिपाहियों की ढाड़ी राज के स्कूल का है। झालावाड़ के मनोहर थानों में आवलहेड़ा गांव में चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। 29 नवंबर को यहां मतदान किए जाएंगे। इससे पहले पूर्व सरपंच को अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अमान्य घोषित किया था। दौसा के महवा में मंडावर कस्बे में सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय पिछले 3 साल से बंद पड़ा है। कृषि पर्यवेक्षक और अधिकारी कार्यालय को खोलते ही नहीं, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। अलवर के रामगढ़ में 11 बांध का पानी दूषित हो गया है। MIA की केमिकल फैक्ट्रियों से दूषित पानी आता है। केमिकल युक्त पानी पशुओं के लिए घातक बन गया है। दर्जनों गांव दूषित पानी से प्रभावित हो रहे हैं। शिकायत के बाद भी प्रदूषण विभाग के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अलवर के थानागाजी में रुपए बदलवाने को लेकर बैंक कर्मचारियों की मनमानी चल रही है। चाहते लोगों को खिड़कियों के जरिए सप्लाई किए जा रहे हैं रुपए, जिसकी वजह से सुबह से पंक्ति में खड़े लोगों को परेशानी हो रही है। अजमेर के विजयनगर में प्राज्ञ महाविद्यालय में विद्यार्थियों ने शिक्षण शुल्क में एकाएक बढ़ोतरी किए जाने के विरोध में महाविद्यालय प्रबंध समिति के खिलाफ विरोध जताकर वृद्धि को वापस लेने की मांग की। अजमेर के बिनाई में देवलिया कला गांव में खारी नदी के वाले से मछलियां पकड़ रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद जीवित मछलियों को छुड़ाकर पानी में डलवाया गया। झालावाड़ के कानपुर में नोट बदलने का टेंशन में बैंकों के सामने अंधेरे से ही कतारें लग गई। ग्रामीण अंचल में बैंक नहीं होने से खासी परेशानी हो रही है। राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं भी कोई सेवाएं नहीं कर रही हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में महाविद्यालय शुरू हुए 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक एक भी व्याख्याता की नियुक्ति नहीं हुई, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई चौपट हो रही है। इसके चलते NSUI ने SDM को ज्ञापन सौंपा। जालौर के जबलवाना में सैली गांव में राशन की दुकान महीने में 5 दिन ही खुलती है, जिसकी वजह से लोगों को पूरा राशन भी नहीं मिलता है। भरतपुर के बयाना में पेयजल का संकट गहरा गया है। यहाँ पंप हाउस की 2 मोटर खराब पड़ी हैं। आधे में अधिक इलाके में पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही है। सूचना के बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीकानेर के कोलायत में स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर नारायणसर में स्थित ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी करने की घोषणा की। नारायणसर के ग्रामीणों ने बताया पिछले लंबे समय से स्कूल में प्रधानाध्यापक सहित करीब 9 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। इस संबंध में कई बार उपखंड स्तरीय अधिकारी और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक समस्या पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे अध्ययन रहते हैं। आगामी 3 माह में वार्षिक परीक्षा होनी है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई।
पाली के सुमेरपुर में 500,000 रुपए के नोटों के बंद होने के बाद सुमेरपुर व्यापार संघ द्वारा अनिश्चितकालीन तक महाराजा अमित सिंह कृषि उपज मंडी को बंद रखा गया था, लेकिन आज बुधवार से मंडी परिसर में व्यापार शुरू हो जाएगा। व्यापार सिर्फ किसानों को चेक से भुगतान करेंगे। उन्होंने बताया कि जब तक नोटबंदी कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक व्यापार इसी तरह से करते रहेंगे। डूंगरपुर के झोपड़ी में नोटबंदी का ग्रामीण बाजारों पर असर पड़ने लगा। छोटी नोट की समस्या से व्यापार प्रभावित हो रहा है। माल खरीदने में लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं 10 रुपए का सिक्का बंद होने की अफवाह भी फैलाई जा रही है। बारा के छबड़ा में विभिन्न वार्डो एवं मोहल्लों में बहरे नाले के समय पर सफाई नहीं होने से आम लोगों के लिए सरदर्द बन रहा है। खुले में पड़ी गंदगी से अवरुद्ध हो रहे नालों में मच्छरों की भरमार से लोग परेशान है, साथ ही बीमारियां फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है। बूंदी के तालेड़ा में लंबा खो ग्राम पंचायत में लगने वाले हाट में 5,000 के नोट बंद होने का असर देखने को मिला। छोटे नोटों की कमी के चलते दुकानों पर ग्राहक प्रभावित हुई। बाहर से आए दुकानदारों को कम ग्राहक की बीमारी से हुए हाथ लगे हैं। बूंदी के हिंडोली क्षेत्र के बसोली नेहड़ी की झोपड़िया खेड़िया सहित कई गांव में हिंडोली विधायक ने दौरा किया, ग्रामीणों से समस्याएं सुनी। साथ ही क्षेत्र में मौसमी बीमारियों से मारे गए लोगों के परिजनों से भी घर घर जाकर मिले। विधायक ने कहा कि खेरा क्षेत्र में चिकित्सा स्टाफ की कमी होने के बाद भी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की चौथी पुण्यतिथि पर क्षेत्रवासियों द्वारा वाहन रैली निकाली जाएगी। तहसील अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया, राम मंदिर सिवान रैली का आयोजन किया जाना, जो कस्बे में घूमेगी। शिवसेना कार्यकर्ताओं से एकत्रित होने की अपील की। भीलवाड़ा के मांडल में चल रही मेजाबांध की नहर से टेल तक पानी नहीं पहुंचने के कारण किसानों में आक्रोश है। किसानों का कहना है, नहर पर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण कुछ किसानों ने अवैध रूप से पंप सेट लगाकर जल दोहन किया है। चित्तौड़गढ़ के आकुला में नोटबंदी को लेकर चल रही सियासत के बीच अब बैंक डाकघरों में लंबी कतारों में खड़े लोगों की मदद के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। नोट बदलने के लिए 6 दिन से चल रही बैंकों में भारी भीड़, लोगों की सुबह से ही लाइन लगना शुरू हो गई। वहीं किसानों से पुराने नोट नहीं लेने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रवि की फसल की बुआई का कार्य भी 500,000 के नोट लेना बंद कर देने के कारण प्रभावित हो रहा है। किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। जोधपुर के बालेसर में विद्युत वितरण ने बकाया वसूली के लिए गठित स्पेशल टीम गठित की है। डिस्कॉम टीम ने बालेसर सत्ता बालेसर दुगावता में 10,000 से अधिक बकाया वाले 19 घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। बालेसर डिस्कॉम के सहायक अभियंता ने बताया कि बकाया विद्युत बिलों वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के लिए सख्त आदेश दिए। और खबर पंचायत में यहां रुकेंगे, ब्रेक के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।